देन डिटेक्शन ऑफ टर्मेरिक इन सेलर आइस, हम क्या करेंगे, हम कुछ राइस लेंगे एक ग्लास प्लेट में, उसमें क्या करेंगे सोक्ड लाइम, उसको सोक्ड लाइम को हम उस पर छिड़क देंगे, उसको कॉमनली क्या बोलते हैं चूना भी बोलते हैं, ओके देन क्या करेंगे प्योर ग्रेन्स विल नॉट फॉर्म रेड कलर, adulterated grains will form red color. Here we can see the adulterated one has become red in color. But this rice, as it is not adulterated, it has not become red. Its natural color is present. So we have checked what? No, adulterated rice, if it is having turmeric, then it will become red in color. If it is not adulterated with turmeric, then it will not become red. It is checked with the help of soaked lime. Usko hum Hindi mein chuna bhi bolte hain. Okay. Then test number 16. Detection of rhodamine B in ragi. Ragi mein rhodamine dal dete hain. Kya karenge hum? कॉटन लेंगे, टेक कॉटन बॉल सोक्ड इन वाटर और वेजिटेबल ऑयल, रब द आउटर सरफेस ऑफ द रागी, रागी के ऊपर हम क्या करेंगे आउटर सरफेस के ऊपर हम रब कर देंगे, ओके रब करने से क्या होगा, इफ कॉटन एब्जॉर्ब्स कलर, कलर अगर आएगा देन इट इंडिकेट्स द एडल्ट्रेन, ओके द एडल्ट्रेशन is done with the rhodamine B for coloring the outer surface of ragi. Ragi जो है उसके ऊपर हम क्या करेंगे cotton ball जो कि water और vegetable oil में उसको हम dip कर दिए हैं होंगे, उसको हम उसके रागी के ऊपर rub करेंगे, rub करने में क्या होगा और cotton का color change हो जाएगा, if cotton absorbs color, ऑब्जर्व करेगा देन इट इंडिकेट्स द एडल्ट्रेशन ऑफ रागी विथ रोडामाइन बी. देन टेस्ट नंबर 17, उसमें क्या है ना स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स, स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स को टेस्ट करने के लिए क्या मेथड्स है, सो डिटेक्शन ऑफ फॉरेन रेजिन इन एसोफोटोइडा, सो फॉरेन रेजिन कैन बी टेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ बर्निंग टेस्ट, बर्न क्या करेंगे हम बर्न स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसोफोटोइडा इन ए स्टेनलेस स्टील स्पून, स्टेनलेस स्टील स्पून के ऊपर हम क्या करेंगे कुछ एसोफोटोइडा ले जाएंगे, उसको क्या करेंगे बर्न करेंगे फ्लेम के ऊपर, तो क्या होगा नो प्योर एसोफोटोइडा विल बर्न लाइक कैम्फर, कैम्फर के जैसा वो बर्न करेगा, लेकिन adulterated one will not burn like camphor, adulterated asafoetida will not produce bright flame like camphor, adulterated one will also burn but bright flame will not appear. Then test number 18, detection of soap stone or other earthy matter in asafoetida or hing, kya karenge hum sack little portion of the sample with water and allow to settle, क्या करेंगे water के अंदर कुछ hing लेकर उसको sack करेंगे, pure asafoetida will not leave any soap stone or other earthy matter at the bottom, bottom में वो settle हो जाएगा अगर वहाँ पर होगा, if asafoetida is adulterated soap stone or other earthy matter will settle down एट द बॉटम, सेटल डाउन यहाँ पे हो गया है तो ये एडल्ट्रेटेड वन है. देन टेस्ट नंबर 19, डिटेक्शन ऑफ पपया सीड्स इन ब्लैक पेपर, एड सम अमाउंट ऑफ ब्लैक पेपर टू ए ग्लास ऑफ वाटर, इट इज़ वेरी सिंपल, प्योर ब्लैक पेपर सेटल्स एट द बॉटम, बॉटम के अंदर वो सेटल हो जाएगा, कौन सा वाला जो प्योर होगा, अगर पपया सीड्स मिक्स हुआ है तो वो फ्लोट करेगा, इसको हम बोल देंगे कि एडल्ट्रेटेड हुआ है. देन टेस्ट नंबर 20, डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल और वाटर सोल्यूबल सिंथेटिक कलर्स इन चिली पाउडर, चिली पाउडर को क्या करेंगे कि
टेस्ट करेंगे कुछ आर्टिफिशियल कलर दिया है कि नहीं। आजकल क्या करते हैं ना, वो डिफरेंट ऊट पाउडर को लेकर उसको कलर मिला के चिली पाउडर के अंदर डाल देते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, स्प्रिंकल चिली पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टेकन इन ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर के अंदर हम ले जाएंगे, वो स्प्रिंकल करेंगे क्या चिली पाउडर, द आर्टिफिशियल कलरेंट्स विल इमीडिएटली स्टार्ट डिसेंडिंग इन कलर स्ट्रीक, कलर स्ट्रीक के अंदर ऐसा देखिए कैसा कलर स्ट्रीक के अंदर जैसा वो डिसेंड करता है ऐसा करेगा, लेकिन ये नहीं हुआ है, डिसेंड नहीं हुआ है, कलर ऐसा स्प्रेड नहीं हुआ है, ऐसा सरफेस में रहा है, तो ये ठीक है। द आर्टिफिशियल कलरेंट्स विल इमीडिएटली स्टार्ट डिसेंडिंग इन कलर स्ट्रीक्स, कलर स्ट्रीक के जैसा वो डिसेंड करेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये कलर मिला हुआ है। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। देन टेस्ट नंबर 21, डिटेक्शन ऑफ कैसिया बार्क इन सिनामन, सिनामन के अंदर क्या करते हैं कैसिया बार्क दे देते हैं। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिनामन इन ए ग्लास प्लेट, इफ एडल्ट्रेटेड इन क्लोज विजुअल एग्जामिनेशन, कैसिया बार्क दैट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल लेयर्स इन बिटवीन द रोब आउटर एंड इनर मोस्ट स्मूथ लेयर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सिनामन, सिनामन बार्क्स आर वेरी थीन दैट कैन बी रोल्ड अराउंड ए पेंसिल और पेन, इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट स्मेल। ओके, हम क्या करेंगे उसको चेक करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, कैसिया बार्क जो होता है दैट कंप्राइज सेवरल लेयर्स इन बिटवीन द रफ आउटर, आउटर एंड इनर मोस्ट स्मूथ में, स्मूथ लेयर में उसमें क्या होगा, वो सेवरल लेयर्स होगा, लेकिन ओरिजिनल सिनामन में वो नहीं रहता है। ओके, सिनामन बार्क्स आर वेरी थिन, वो थिन भी रहता है, दैट कैन बी रोल्ड अराउंड ए पेंसिल। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट इज टेस्ट नंबर 22, डिटेक्शन ऑफ ग्रास सीड्स कलर्ड विथ चारकोल डस्ट इन क्यूमिन सीड्स, रफ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यूमिन सीड्स ऑन पाम, इफ पाम टर्न्स ब्लैक, पाम टर्न्स ब्लैक एडल्ट्रेशन इज इंडिकेटेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यूमिन सीड्स ले जाएंगे, उसको पाम में हम घिसेंगे तो क्या पता चलेगा कि वो ब्लैक ब्लैक ऐसा स्किन के ऊपर आएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि दिस इज एडल्ट्रेटेड, सो दिस इज नॉट एडल्ट्रेटेड, दिस इज एडल्ट्रेटेड, वी कैन चेक इट। डिटेक्शन ऑफ आर्जिमोन सीड्स इन मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स के अंदर भी आर्जिमोन सीड्स को डाल देते हैं, बिकॉज बोथ अपीयर सेम, दिस कैन बी डन बाय व्हाट, नो वी कैन चेक द इट बाय विजुअल इंस्पेक्शन, देख कर हमको पता चल जाएगा। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड्स इन ए ग्लास प्लेट, एग्जामाइन विजुअली फॉर द आर्जिमोन सीड्स, विजुअली हम एग्जामाइन करेंगे, मस्टर्ड सीड्स हैव ए स्मूथ सरफेस एंड व्हेन प्रेस्ड इनसाइड इट इज येल्लो इन कलर, येल्लो कलर अगर हम प्रेस कर देंगे इसको तो वो येल्लो कलर आएगा, लेकिन आर्जिमोन सीड्स विल नॉट गिव येल्लो कलर, आर्जिमोन सीड्स हैव ग्रेनी रफ सरफेस एंड आर ब्लैक इन कलर, व्हेन प्रेस्ड इनसाइड इट इज व्हाइट इन कलर। ओके, इसके अंदर व्हाइट कलर आएगा। देन टेस्ट नंबर 24, डिटेक्शन ऑफ लीड क्रोमेट इन टर्मेरिक होल, एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टर्मेरिक होल इन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, प्योर टर्मेरिक विल नॉट लीव एनी कलर। ओके, एडल्ट्रेटेड टर्मेरिक अपीयर्स टू बी राइट इन कलर एंड लीव्स कलर इमीडिएटली इन वाटर। देखिए हम क्या करेंगे, जो टर्मेरिक है उसको हम पानी के अंदर डाल देंगे, पानी के अंदर डाल दिया है, देखिए यहाँ पे कोई कलर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, कलर आ गया, कलर अपीयरेंस हो गया, तो ये एडल्ट्रेटेड हुआ है। ओके,
टेस्ट नंबर 25, डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल कलर इन टर्मेरिक पाउडर। आर्टिफिशियल कलर भी दे देते हैं टर्मेरिक पाउडर में, तो क्या करेंगे, ऐड ए टीस्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर इन ए ग्लास ऑफ वाटर। नेचुरल टर्मेरिक पाउडर लीव्स लाइट येलो कलर व्हाइल सेटलिंग डाउन। एडल्ट्रेटेड टर्मेरिक पाउडर विल लीव ए स्ट्रॉन्ग येलो कलर इन वाटर व्हाइल सेटलिंग डाउन। ये जो एडल्ट्रेटेड दिया है, ये एडल्ट्रेटेड में क्या करेगा ना, वो सेटल होने के टाइम वो स्ट्रॉन्ग येलो कलर, बहुत गाढ़ा येलो कलर देगा, लेकिन ये इतना गाढ़ा कलर नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे एडल्ट्रेशन नहीं किया गया है, आर्टिफिशियल कलर नहीं दिया है, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर इज़ नॉट अलाउड इन टर्मेरिक। देन टेस्ट नंबर 26, डिटेक्शन ऑफ सॉ डस्ट एंड पाउडर ब्रैन इन पाउडर स्पाइसेस। स्प्रिंकल पाउडर स्पाइसेस ऑन द वाटर सर्फेस। प्योर स्पाइसेस विल नॉट लीव एनी सॉ डस्ट और पाउडर ब्रैन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। सर्फेस ऑफ वाटर में नहीं रहेगा। इफ स्पाइसेस आर एडल्ट्रेटेड, सॉ डस्ट और पाउडर ब्रैन विल फ्लोट ऑन द सर्फेस। विल फ्लोट, यहाँ पे फ्लोट किया है, लेकिन यहाँ पे फ्लोट नहीं किया, ये घुल मिल गया है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, स्प्रिंकल पाउडर स्पाइसेस ऑन द वाटर सर्फेस, उसको वाटर सर्फेस के ऊपर पे हम स्प्रिंकल कर देंगे। स्प्रिंकल करने के बाद क्या करेंगे ना, प्योर स्पाइस देखेंगे कि प्योर स्पाइस विल नॉट लीव एनी सॉ डस्ट और पाउडर ब्रैन ऑन द सर्फेस वाटर। फ्लोट नहीं करेगा यहाँ पे ऊपर में, तो वो एडल्ट्रेटेड नहीं हुआ है। इफ स्पाइसेस आर एडल्ट्रेटेड देन उसके ऊपर फ्लोट करेगा। ओके, देन डिटेक्शन ऑफ एक्सट्रेनियस मैटर्स, डस्ट, पेबल स्टोन, स्ट्रॉ, वीट, सीड्स, डैमेज ग्रेन्स, विविल ग्रेन्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट, हेयर एंड एक्सेट्रा इन होल स्पाइसेस। होल स्पाइसेस में कैसे, वो तो ईजी है, दैट वी कैन डू विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअली हम चेक कर सकते हैं। टेक स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सैम्पल इन ए ग्लास प्लेट, एग्जामाइन द इम्प्योरिटीज विजुअली। प्योर होल स्पाइस विल नॉट हैव एनी इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज आर ऑब्जर्व यूजली इन एडल्ट्रेटेड होल स्पाइसेस। ये हम कर सकते हैं, अगर हम देखेंगे विजुअली तो इसमें बहुत सारा एडल्ट्रेटेड वन रहेगा विजुअल इंस्पेक्शन में, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा जो प्योर है। ओके, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज एडल्ट्रेटेड। ओके, देन टेस्ट 28, डिटेक्शन ऑफ फिनेल सीड्स इन क्यूमिन सीड्स। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्यूमिन सीड्स इन ए ग्लास प्लेट, एग्जामिन विजुअली फॉर द फिनेल सीड्स। फिनेल सीड्स कैन बी सेपरेटेड आउट बाय क्लोज एग्जामिनेशन। फेनल सीड्स क्लोज एग्जामिनेशन के बाद हम देख सकते हैं कि ये फेनल सीड्स है, ये दिस इज एडल्ट्रेटेड, दिस इज नॉट एडल्ट्रेटेड। ओके, देन माइसलिनियस में क्या क्या हम देखेंगे, देखिए, डिटेक्शन ऑफ मेलाचिट ग्रीन इन ग्रीन चिल्ली एंड ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन चिल्ली और ग्रीन वेजिटेबल में क्या करेंगे, उसको हम लेकर कटन को रब करेंगे उसके ऊपर, अगर दैट कॉटन टर्न्स ग्रीन देन इट इज़ एडल्ट्रेटेड विथ मेलाचाइट ग्रीन। सी, यहाँ पे जो कॉटन दिया है वो ग्रीन कलर हो गया है रब करने के बाद, तो ये क्या हुआ है, ये मेलाचाइट ग्रीन से इसको एडल्ट्रेट किया गया है। टेस्ट नंबर 30, डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल कलर ऑन ग्रीन पीस। उसको हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल कलर को चेक करने के लिए हम कुछ पीस को एक ग्लास ऑफ वाटर में लेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर में लेंगे, उसको हम आधा घंटा रख देंगे। आधा घंटा के रखने के बाद उसको हम देखेंगे कि जो एडल्ट्रेटेड हुआ है उसके साइड साइड में कलर आ गया है, लेकिन जो एडल्ट्रेटेड नहीं हुआ है उसको पानी में कलर नहीं दिखा गया। ओके, देन टेस्ट नंबर 31, सो डिटेक्शन ऑफ कलर ड्राइड टेंड्रिल्स ऑफ मेज कॉप इन सेफ्रॉन। जेन्युइन सेफ्रॉन विल नॉट ब्रेक इजीली लाइक आर्टिफिशियल वन। आर्टिफिशियल सेफ्रॉन इज प्रिपेयर बाय सोकिंग मेज कॉप इन शुगर एंड कलरिंग इट विथ कोल्टर। कोल्टर और शुगर में देकर आर्टिफिशियल सेफ्रॉन बनाते हैं। ओके, उसको हम चेक कर सकते हैं, क्या करेंगे ना, उसको
ब्रेक करेंगे, अगर इजीली ब्रेक हो गया तो दिस वन इज नॉट सेफ्रन. इफ सेफ्रन इज एडल्टरेटेड द आर्टिफिशियल कलर डिजॉल्व्स इन वाटर रैपिडली. ए बीट ऑफ प्योर सेफ्रन व्हेन अलाउड टू डिजॉल्व इन वाटर विल कंटिन्यू टू गिव इट्स सेफ्रन कलर सो लॉन्ग एज इट लास्ट. सो ये कलर देगा पानी के अंदर हम डिप कर देंगे तो एडल्टरेटेड किया गया है. देन टेस्ट नंबर 32, डिटेक्शन ऑफ व्हाइट पाउडर इन आयोडाइज्ड सॉल्ट. सो टेस्टिंग करेंगे क्या क्या मेथड है. 1/4 टीस्पून हम सॉल्ट ले जाएंगे और उसको हम डिजॉल्व करेंगे. प्योर सॉल्ट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली एंड गिव्स ए क्लियर सॉल्यूशन और गिव्स स्लाइटली टर्बिड सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमिटेड एंटी केगिंग एजेंट इन द सॉल्ट. इफ सॉल्ट इज एडल्टरेटेड सॉल्यूशन टर्न्स टेंस white turbid in the presence of chalk powder and other insoluble impurities while settled down at the bottom. Okay, this one is pure one, this one is adulterated one. If you take this one after dissolving the salt water, ye turbid slightly turbid hoga, ye bahut deeply turbid ho gaya hai due to presence of what, chalk powder. ओके, इफ सॉल्ट इज एडल्टरेटेड सॉल्यूशन टर्न्स डेंस व्हाइट, डेंस व्हाइट, ये डेंस व्हाइट हो गया है टर्बिड इन द प्रेजेंस ऑफ चॉक पाउडर एंड अदर इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज विल सेटल डाउन एट द बॉटम. सेटल इसमें अदर इम्प्योरिटीज भी देखा जाएगा. टेस्ट नंबर 33, हम क्या करेंगे, जो कॉमन सॉल्ट है उसको आयोडाइज है या नहीं है. आजकल क्या करते हैं, सब सॉल्ट को आयोडाइज सॉल्ट बोलकर बेच देते हैं, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे ना. हम क्या करेंगे, कट पोटैटोस लेंगे, उसके ऊपर कुछ सॉल्ट दे देंगे, हम एक मिनट तक उसको वेट करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे ना, 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस उसके ऊपर दे देंगे. अगर ये आयोडाइज्ड सॉल्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये आयोडाइज्ड सॉल्ट है, तो इसका कलर चेंज हो गया है, ब्लू कलर हो गया है. यहाँ पे ब्लू कलर नहीं दिया है तो ये क्या है, आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं है. सो टेस्ट नंबर 34, डिटेक्शन ऑफ क्ले इन कॉफ़ी पाउडर. हम क्या करेंगे, कॉफ़ी पाउडर लेंगे 1/2 चम्मच इन ए ग्लास ऑफ वाटर, स्टायर फॉर ए मिनट एंड कीप इट एसाइड फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स वेट करेंगे, उसके बॉटम को हम विजुअलाइज करेंगे. प्योर कॉफी पाउडर विल नॉट लीव एनी क्ले पार्टिकल्स एट द बॉटम. इफ कॉफी पाउडर इज एडल्टरेटेड क्ले पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम. अगर हम देखेंगे यहाँ पे बॉटम के अंदर 5 मिनट के बाद इसके बॉटम में क्या है ना, कुछ पार्टिकल्स दिखा गया है, उसको क्ले पार्टिकल बोलते हैं, तो ये एडल्टरेटेड वन है, ये एडल्टरेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ के बॉटम में वो नहीं दिखाया गया है, कुछ पार्टिकल नहीं है. सो टेस्ट नंबर 35, डिटेक्शन ऑफ कलर इन सुपारी पान मसाला. उसमें क्या है ना, हम सुपारी को हम पानी में देखेंगे, कुछ टाइम रोकेंगे, रुक कर देखेंगे, अगर पानी का कलर ऐसा चेंज हो गया है तो देखेंगे कि दिस वन इज एडल्टरेटेड वन एंड इट्स नॉट फिट फॉर कंजम्पशन. देन टेस्ट नंबर 36, टेक ए फिल्टर पेपर एंड स्प्रेड फ्यू टी लीव्स. टी लीव्स को हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर में रखेंगे, स्प्रिंकल विद वाटर टू वेट द फिल्टर पेपर, उसमें पानी दे देंगे. पानी देने के बाद अगर ऐसा कलर डिस्पर्स करेगा साइड 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 में, तो देखेंगे कि यहाँ पे कलर दिया है. प्योर टी लीव्स विल नॉट स्टेन, स्टेन नहीं आएगा, देखिए ऐसे कोई स्टेन नहीं दिया है, ये एडल्टरेटेड नहीं दिया है. इफ कोल टार इज प्रेजेंट इट विल इमीडिएटली स्टेन द फिल्टर पेपर, इमीडिएटली इसको कलर कर देगा. देन टेस्ट नंबर 37, डिटेक्शन ऑफ आयरन फिलिंग्स इन टी लीव्स. ये तो बहुत ईजी है, हम मैग्नेट ले जाएंगे, मैग्नेट के वो यहाँ पे ऊपर ड्रॉप कर देंगे, अगर मैग्नेट लगा मैग्नेट के ऊपर आयरन लग गया तो देन दिट इज एडल्टरेटेड वन. टेस्ट नंबर 38, डिटेक्शन ऑफ चाकुंडा बीन्स इन पल्सेस. टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पल्सेस इन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, एग्जामिन इट इम्प्यूरिटीज विजुअली. चाकुंडा बीन्स कैन बी सेपरेटेड आउट बाय क्लोज. ये हम
निज खुद के विजुअलाइज करेंगे, खुद विजुअलाइज करेंगे कि कुछ ऐड किया गया है कि नहीं चाकुंडा बीन्स। देन डिटेक्शन ऑफ रोडामाइन बी इन स्वीट पोटैटोस, रोडामाइन बी को चेक करेंगे क्या क्या है ना, उसको कटन लेंगे, कटन को आप रब कर देंगे, रब करने के बाद अगर ऐसा कलर आएगा तो दिस वन इज एडल्टरेटेड विद रोडामाइन बी। देन टेस्ट नंबर 40, डिटेक्शन ऑफ व्हाट, वैक्स पॉलिशिंग ऑन एप्पल, ये कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। टेक ए ब्लेड एंड स्क्रैच द सरफेस ऑफ द एप्पल, वैक्स कम्स आउट इफ़ वैक्स पॉलिशिंग हैज़ बीन डन। उसको हम क्या करेंगे, एक छुरी के ऊपर उसको रब करेंगे, अगर रब करने के बाद वो कुछ वाइट वाइट सब्सटेंस अगर आएगा तो देन दिस इज एडल्टरेटेड विथ वैक्स पॉलिशिंग। वैक्स पॉलिशिंग करने से वो शाइनिंग करेगा, ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा, इसलिए वैक्स पॉलिशिंग करते हैं, बट दैट इज़ नॉट परमिटेड बाई FSSAI। देन टेस्ट नंबर 41, डिटेक्शन ऑफ चिकोरी पाउडर इन कॉफ़ी पाउडर। सो इसको कैसे हम चेक करेंगे, पानी लेंगे ग्लास में, उसके ऊपर हम कॉफ़ी पाउडर दे देंगे। कॉफ़ी पाउडर क्या होगा, वो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, अगर वो फ्लोट करता है देन इट इज़ प्योर वन, इफ द कॉफ़ी पाउडर गोस डाउन देन इट इज़ मिक्स्ड विथ चिकोरी, ओके, देन इट इज़ नॉट परमिटेड, इट इज़ adulterate one. With this we have finished different testing methodology. Easily we can do all these testing methods for adulterants. If you have any doubts, any questions, please provide in the comment section. Thank you.